नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत वृक्ष के बारे में जानकारी देने आया हूं। और यह वृक्ष है पीपल का वृक्ष, जिसको हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के अंदर देव वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यह माना जाता है कि पीपल भगवान विष्णु का जीवंत मूर्तिमान रूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वृक्षों में यदि मैं कोई वृक्ष हूं तो पीपल हूं, और इसीलिए हम इसको देव वृक्ष भी कहते हैं। यदि मैं स्कंद पुराण के हिसाब से बात करूं तो इसके मूल में भगवान विष्णु विराजमान है, तने में भगवान केशव विराजमान है, इसके पत्तों में स्वयं श्री हरि विराजमान है, और इसके फलों में सभी देवी देवता विराजमान हैं। और पीपल के वृक्ष की अगर कोई पूजा करता है, सेवा करता है, पीपल के वृक्ष लगाता है, तो उसके घर में जो वंश परंपरा है वो कभी नष्ट नहीं होगी। उस व्यक्ति का वंश हमेशा हमेशा चलता रहेगा। अमावस्या पर इसकी विशेष पूजा भी की जाती है। और अगर हम इसके दूसरे गुणों की बात करें तो यह बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के काम आता है, जैसे पीलिया, मलेरिया, कफ, डायबिटीज, कैंसर और पता नहीं कितनी बीमारियों को यह वृक्ष ठीक करने की क्षमता रखता है। और इसकी सबसे खास बात है कि यह रात में भी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है। यह दिन और रात दोनों समय पर ऑक्सीजन रिलीज करने की क्षमता रखता है, और ये सब कर पाता है इसमें होने वाले एक स्पेशल पाथवे, जिसको हम कहते हैं कैम पाथवे, क्रेस्यूलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, उसकी मदद से ये रात को भी CO2 एब्जॉर्ब करता है। तो यह अपने आप में देव तुल्य वृक्ष है। इसको मैं नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।